गहनों से लदी सुर्ख जोड़ा पहने उस नई नवेली दुल्हन की टांग में आकर गोली लगी। राजा के डोगरा सिपाही ने अपनी पगड़ी फाड़कर उसकी जख्मी टांग को बांधा और लहूलुहान उस दुल्हन को कंधे पर उठा लिया। हमलावर लगातार गोली चला रहे थे, लेकिन राजा के उस बहादुर डोगरा सिपाही ने दुल्हन को कंधे पर उठाते हुए भी उन हमलावरों का जवाब दिया और गोली चलाते चलाते उसे बचाते, उसके साथ पूरे काफिले को बचाते हुए वह उसे पुंछ के अस्पताल तक ले आया। यहां उसे भर्ती करा दिया गया। घटना कहां की है, कैसे हुई, आइए सुनते हैं हमारे आज के मेहमान श्री सीताराम रैना, जम्मू कश्मीर टुडे और जम्मू कश्मीर हिस्ट्री टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में। आपका स्वागत है, आइए। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, उस समय रावला कोर्ट में क्या घटना हुई थी, जरा बताएंगे। वो ऐसे हुआ था कि एक जवान मशीन गन लगाई हुई थी। अच्छा। वो लड़की पीछे जी आ रही थी साथ में। अच्छा। मेरे को बचाओ जी। वो उसको उधर ही गोली लग गई। अच्छा। जेवर पूरा पड़ा हुआ है उसको। अच्छा, वो दुल्हन है। हाँ, रात को शादी हुई, गरबा देखा, पता ही नहीं है। अच्छा। वो किधर गया। अच्छा। कौन से गांव की है, हमें तो समझ ही नहीं आई। अच्छा। उसके बाद वो जो जवान था जी, जवान ने अपनी पग पाली, उस वक्त पगां थी जवाना दिया। अच्छा, पग वो डोगरा फौजी, पग फौजी ने डोगरा। अच्छा। पग पोड़ के। अच्छा। तो उसका पट इधर गोली लगी। अच्छा। तो वो पट बदा उन्हों। अच्छा। टिंचरा डीन ला के। अच्छा, टिंचरा डीन लगा के उसकी टांग को बांध दिया। हाँ। अच्छा। काफी दूर तक। अच्छा। मैं भी उनके साथ था। अच्छा, आप उनके साथ थे। हाँ जी। उसके बाद जिधर भी जी वो गन चलाए। अच्छा। मशीन गन। अच्छा। के ब्रेन गन थी। अच्छा। नहीं पता मैं, ब्रेन गन थी मैं। अच्छा। तो उसको बुठाए जी, गोली चलाए जिसने थोड़ा। अच्छा। गोली कम हो जाए। अच्छा। उसको फिर उठा ले। अच्छा, फौजी उसको फिर उठा लेता था। फिर उठा ले। अच्छा। जम्मू जे एम के दासी हो। अच्छा। और फिर वो पुंछ ले आए उसको। उसको उठा के कंधे पे पुंछ ले आए, हॉस्पिटल दाखिल करे। और फौजी रास्ते में गोली भी चलाता रहा, कवायलियों का जवाब देता रहा। देता रहा। अच्छा। हवलदार था वो। हवलदार था। डोगरा फौजी। डोगरा फौजी। अच्छा। मैं भी साथ में ही था। अच्छा, आप उसी काफिले के साथ थे। काफिले में मेरे बोलता था मेरे को खाने के लिए कुछ दो। अच्छा। मैं आई 6 दिन हो गए, कोई पानी भी नहीं लगा। अच्छा, 6 दिन से भूखे थे आप। भूखे, उसने थोड़े से। अच्छा। चने दिए। चने दिए उसने हाथ में। किसने दिए? वो फौजी ने। फौजी ने आपको चने दिए? पानी हाथ करो। अच्छा। हाथ में पानी दिया। अच्छा। ये इतना ही मिलेगा। अच्छा। नहीं। अच्छा। चलो भाई ठीक है इतना ही। अच्छा। फिर चलते गए, चलते गए, आगे फिर हमला हो गया। अच्छा। दोबारे फिर हमला हो गया। हाँ, 4-5-6 औरता। अच्छा। तो 4 बंदे। अच्छा। एकदम मर गई। मर गई गोली। अच्छा। उधर ही। अच्छा। वो लगे देखे जी, तो उन्होंने बोला फौजी ने जी के इधर खड़े नहीं होना। अच्छा। जो मर गया सो मर गया। अच्छा। आगे चलो, दुश्मन का हमला है। दुश्मन का हमला है, खड़े नहीं होना, जो मर गया उसको छोड़ दो। छोड़ दो। अच्छा। आगे चलो। और अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर चलते आए जी, वो हॉस्पिटल में दाखिल कर दी। अच्छा। कोई दिन के बाद जी उसका घरवाला अच्छा मौजूद हुआ। अच्छा, घर वाला भी फौजी था? फौजी। अच्छा। वो उसको पता चला, कैप्टन था, कैप्टन, कैप्टन था। अच्छा। उसको पता चला कि मेरी फैमिली इधर आई जी, उसके पास गया वो। अच्छा। गया तो वो उसका हुक्म है कि मेरे पास नहीं आना।
अच्छा वो जो मेजर है, अच्छा वारदात मेजर जिसने मुझे उठा कर लाया लाया, अच्छा मेरा जो खामन वो ही है, वो ही है। पर आप उनसे बात करो, अच्छा करे आपकी बात चलती है, अच्छा तो बयान मिलता है, अच्छा तो मैं चलूंगी नहीं जब मैं नहीं जाऊँ। अच्छा देखिए कितनी दर्दनाक घटना है कि पलंदरी रावला कोर्ट से जब रिफ्यूजी लोग भाग रहे थे उन पर गोली चली। एक नई दुल्हन थी, वो कैप्टन की पत्नी थी, रात को शादी हुई, अगले दिन हमला हो गया, पति पत्नी दोनों बिछड़ गए और उसके टांग में जैसे गोली लगी तो इनके सामने की बात है। फिर एक राजा के सैनिक ने, डोगरा सैनिक ने अपनी पगड़ी को उतार कर उसकी टांग को बांधा, उस लड़की को, उस दुल्हन को कंधे पर उठाया और पुंछ के हॉस्पिटल में आकर दाखिल कराया। कुछ दिनों के बाद पुंछ हॉस्पिटल में वो उसके पति जो थे वो पहुंचे, कैप्टन पहुंचे। आगे की बात आइए सुनते हैं। अपना शुभ नाम क्या है? सीताराम। अच्छा, और गांव पिछला कौन सा था? मंजार जी। जब वो मंजार गांव रावला कोर्ट में आपका पिछला गांव था, जब वो हॉस्पिटल में कर्नल आ गया अपनी पत्नी को लेने, फिर आगे क्या हुआ? आगे उसने बयान दिए। अच्छा, वो बोलते है भाई वो मेजर के पास जाओ, अच्छा वो जो कहेगा, जो मुझे उठा कर लाया है, इसकी शर्तें आप पूरी, मैं आपको नहीं जानती। अच्छा, पूरी शर्त दोगे जी तो शायद मैं आपके साथ हाजिर हो जाऊँ। अच्छा हाँ, उसने फिर पूरी कहानी सुनाई। अच्छा, वारदार के पास गए। अच्छा, उन्हें पता नहीं डायरेक्ट कैप्टन बना दिया। अच्छा, हवलदार को डायरेक्ट कैप्टन बना दिया एकदम। अच्छा, उन्हें पूरा दस्या ना, फैमिली से वो ले गया। देखिए कैप्टन हवलदार ने इतनी बहादुरी की, कबायलियों का वो मुकाबला करता रहा, अपनी स्टेन गन चलाता रहा पुंछ तक, और उस लड़की को, दुल्हन को कंधे पे उठा के पुंछ तक पहुंचाया, उसकी जान बच गई।